डी यर स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग दिस पार्ट इज रेलिवेंट टू रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट इसमें हमने ये देखना है कि अगर एक्सीडेंट किसी ऑर्गनाइजेशन में अकड़ हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है और उसके बाद उसको रिपोर्ट कैसे करना है स्पेसिफिक ये हिस्सा रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट के मतलब है रिपोर्ट किस तरह बनानी है कैसे प्रजेंट करनी है किस तरह उनकी सब आस्पेक्ट को देखना है इसके ऊपर हमारा बुनियादी फोकस है एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड कलमिनेट इन अ कम्प्रीहेंसिव एक्सीडेंट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का फायदा आप उस वक्त उठा सकते हैं जब वो सारी चीज़ें रिपोर्ट का हिस्सा हों ताकि उस बेस के ऊपर हम सॉलिड डिसीजन मेकिंग पॉलिसी फार्मूलेशन कर सकें द परपज ऑफ़ द रिपोर्ट इज टू रिकॉर्ड द फाइंडिंग ऑफ द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन दिक्ज आ काजिस ऑफ द एक्सीडेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर कोशन तीनों चीज़ें डी ए स्टूडेंट हिस्स आ गई पहला काज ऑफ एक्सीडेंट या एक से ज्यादा काज कि आप फिर क्या रिकमेंड कर रहे हैं तो अगर ये सारी चीजें रिपोर्ट का हिस्सा हैं तो इट इंफॉर्मेशन कंटेन इन दम इज फेयरली स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का यहाँ ये मतलब है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप इसको बनाएंगे और नंबर टू जब बनाएंगे तो वो रिपोर्ट भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ये दोनों एस्पेक्ट हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना है और जब रिपोर्ट उन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी तो ऑटोमेटिकली ये एक स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बन के सामने आएगी जिसमें तमाम एस्पेक्ट को आप लोग देखेंगे और मैनेज करेंगे रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स में नंबर वन विक्टिम डिपार्टमेंट के कहाँ पे ये एक्टिविटी हुई एक्सीडेंट की लोकेशन एंड डेट कहाँ पे किस जगह और किस डेट को विक्टम्स नेम सोशल सिक्योरिटी नंबर जेंडर एज होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर जब तक ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी आप कभी भी कंप्लीट कम्प्रीहसिव रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये अगर देखा जाए तो ये डेमोग्राफिक एक्टिस्टिक्स हैं जिसमें जेंडर नेम एज नेशनैलिटी कल्चर या उसका एड्रेस ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कि जॉब लेते वक्त एम्प्लॉ फॉर्म फिल करके सबमिट करता है तो वहां से वो इंफॉर्मेशन आसानी से चेक की जा सकती है विक्ट्रम्स नॉर्मल जॉब असाइनमेंट्स नॉर्मली वो जो शख्स है जो एक्सीडेंट का एक्सीडेंट का शिकार हुआ वो किस किस्म की जॉब ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था और जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो कहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था विक्टम्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या वो टेम्परेरी था परमानेंट था फुल टाइम था या पार्ट टाइम था ताकि उसके मुताबिक कल को हम उसको कंपनसेशन भी अदा करने हैं केस नंबर्स ए नेम ऑफ अदर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एक बंदा था एक से ज्यादा लोग थे जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए और कौन सा केस नंबर हम उसको अलाट कर रहे हैं ये केस नंबर डी ये स्टूडेंट इसलिए अलाट किया जाता है कि कल को वहां से ट्रेस किया जा सके कि कंपनसेशन प्लान कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ उसको पैसे मिले नहीं मिले दोबारा वो एम्प्लाई जॉब पे पहुंचा या नहीं पहुंचा इन सब चीजों को केस नंबर से ट्रेस किया जा सकता है टाइप ऑफ इंक्वायरी इंजरी इन् रिगार्डिंग एंड बॉडी पार्टस इंजर्ड नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर ऑफ़ द फिजिकल कार्ड फिजिशियन कार्ड नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ द हॉस्पिटल टू विच द विक्ट वॉज टेकन इन दोनों की डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए कि जिसने उसको चेक किया और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा कब रहा कितनी देर रहा किसने उसको चेक किया उसकी रिपोर्ट्स कौन सी हैं ताकि उस पेशेंट की मुकमल हिस्ट्री का रैकड अगर वो वो आपको हॉस्पिटल नहीं दे रहा नो प्रॉब्लम उसकी फोटो कापी अपने रैकेड में रखें या वहां से कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट शीट मिलती है आपको एडमिशन कार्ड आपको मिल जाता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाता है वो इम्प्लॉ की फाइल का हिस्सा हो ताकि आपको मालूम हो कि वट आर्गे पेड इन दैट पर्टिकुलर केसेस रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स में फर्दर डे स्टूडेंट्स हम देखते हैं फेज ऑफ विक्टम्स वर्क डे वेन बिगनिंग ऑफ द शिफ्ट ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ द शिफ्ट एंड सो ऑन कब ये एक्सीडेंट हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में ये एक्टिविटी हो गई या लेट नाइट में ये एक्टिविटी हो गई तो इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आफ्टरनून में हुई है तो इसका मतलब है कि दैट इम्प्लाई माइट पॉसिबल ही या शी मे फेल टायर्डनेस कि वो काम को उस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा था जैसे कि रूटीन में उसे करनी चाहिए क्या अगर मॉर्निंग टाइम में हुई है ब्रेक टाइम में हुई है या उसके बाद हुई है तो इस बेस के ऊपर भी हम काफ़ी किस्म के डिसीजन ड्रा कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट हाउ इट टुक प्लेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सीडेंट हो गया कैसे हुआ उसको डिस्क्राइब करें आपके अगर सी सी टी वी कैमराज हैं तो उसकी मदद से आपको मालूम होगा जाके आगे जाके डी ए स्टूडेंट्स में आगे जाके बताऊँगा भी आपको कि उस वक्त इम्प्लाई का जेस्टर पॉस्चर फिजिकल स्टेटस क्या था ताकि हम आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर रिपोर्ट डिवेलप कर सकें स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ विद विच द विक्टिम वाज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ये पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा था कि स्पेसिफिक एक्टिविटी उस वक्त वो क्या परफॉर्म कर रहा था इम्प्लाई पॉस्चर अप्रोक्सीमेटी रिलेटेड टू हज है टाइम ऑफ द एक्सीडेंट एम्प्लॉ का सौ पॉस्चर क्या था जेस्चर क्या था या उसके दाएँ बाएँ साउंड में लोग क्या काम कर रहे थे ऐसा तो नहीं था कि साउंडिंग में लोग एंगेज थे मुख्य एक्टिविटीज में वो उनकी तरफ देख रहा था तो पीछे अपनी एक्टिविटीज़ में वो सही परफॉर्म नहीं कर सका सुपरविजन स्टेटस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट काजेज ऑफ द एक्सीडेंट सुपरविजन स्टेटस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट काजेज ऑफ द एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ उसकी वजूहत उसकी सुपरविजन ये चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेक्टिव एक्शन डेट टेकन सो फॉल आप अभी तक उसके ऊपर क्या एक्शन ले चुके हैं और लास्ट रिकमेंडेशन फॉर एडिशनल कोलेक्टिव एक्शन कोलेक्टिव एक्टिव एक्शन लिया। आप मजीद कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हैं ताकि उस तरह का एक्सीडेंट दोबारा ना हो तो वो भी रिकमेंडेशन आपको देनी चाहिए ताकि इस किस्म की एक्टिविटीज से फ्यूचर में भी बचा जा सके